इंदौर शहर में कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते नगर निगम द्वारा स्पॉट फाइन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में शहर के मालवा मिल क्षेत्र में निगम अधिकारियों द्वारा बुधवार को सब्जी व अन्य ठेला चलाने वालों पर कार्रवाई हुई, जिनके स्पॉट पर चालान बनाए गए। मालवा मिल क्षेत्र में जहां नगर निगम सड़क के दोनों ओर लगी दुकानों व ठेलों पर कार्यवाही कर रहा है, वहीं कॉलोनियों के अंदर नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। यानी कि निगम की कार्यवाही सिर्फ सड़कों पर दिख रही है। आपको बताना चाहेंगे कि निगम की कार्यवाही बीते दिनों में उन्होंने दूल्हे का भी एक चालान काटा था, यानी कि निगम की सख्ती जारी है। समझते नहीं है, बार बार यही आगे खड़ा हो जाते हैं, ना तो मास्क का उपयोग करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हैं। इनके ऊपर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट फाइन भी लगाया जा रहा है? हाँ। कितना स्पॉट फाइन लग रहा है अभी? कितना लगा दिया आप? अभी इनको पंचायत के तहत 200 रुपये का स्पॉट फाइन किया जा रहा है। जो बगैर मास्क के हैं, जो ठेले पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। सर, सड़कों पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अंदर गलियों में भी दुकानें छोड़ रही हैं? अंदर भी कार्रवाई कर रहे हैं। जो ठेले वाले सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो जनता बगैर मास्क के घूम रही है, उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार रोज कार्रवाई चल रही है। आपका परिचय? 6 CSI मुख्य से।